रजनीकांत देखिए, रजनीकांत की तस्वीरें हमें इस समय मिलने लगी हैं, और जिसको मैं कहती हूँ कि साउथ के हीरो, साउथ के सुपर हीरो, महानायक साउथ के, तो वो रजनीकांत हैं। देखिए उन्होंने भी कुर्ता पजामा और शॉर्ट डाल, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि आज भारतीयता का दिन है। आज भारतीय परिधान में हर जो मेहमान है वो वहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ स्टूडियो में जितने मेहमान आए वो भी सब भारतीय परिधान में ही है। आरती टिक्कू जी को मैंने हमेशा वेस्टर्न कपड़ों में देखा है, लेकिन आज वो भी पीताम्बरी साड़ी में मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है आरती टिक्कू जी, अब क्योंकि मैंने आपका जिक्र किया है तो आपको आना चाहिए। आज क्या आम और क्या खास, हर कोई, कुछ टीवी पर आम लोग इस पल के गवाह बन रहे हैं और कुछ विशिष्ट लोग जो है वो वहाँ मंदिर प्रांगण में मौजूद है। देखिए अगर हम भारत का पिछले 75 साल का इतिहास देखें तो हमने देखा कि कोई भी अवसर हो लेकिन इतनी तादाद में भारत के, जैसे दीपक जी ने कहा कि सबसे शक्तिशाली लोग एक ही मंच पे आके इकट्ठा हो, तो कोई तो बहुत बड़ी ताकत है जो इन सबको इकट्ठा कर रही है, कि जो एक ताकत इनसे भी ऊपर है, और वो ताकत भगवान श्री राम की ही हो सकती है। वो हमारी संस्कृति, जो राम की संस्कृति जो हम है, वो ही ताकत इनको जोड़े, और वहाँ कहाँ कहाँ से लेके आई है, भारत से बाहर के, बाहर के लोग भी आए हैं, भारत के बाहर जो हमारे शक्तिशाली लोग हैं वो भी आए हैं, और अंदर जो है वो भी आए हैं। तो कितने ही हमारे इवेंट्स हो, ओकेजन्स हो, पिछले 75 साल के हमने देखा सभी लोगों को इकट्ठा करना नामुमकिन था, लेकिन भगवान राम की ऐसी लीला कि इतने सारे शक्तिशाली लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी मजबूत, मैं कहूँगी एक कड़ी हम देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि सारी राजनीति एक तरफ, देखिए आज जो आप लोग देख रहे हैं इनमें कई सारे लोग कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं पहले, इसमें कई सारे लोग बाकी कई पार्टियों के साथ भी जुड़े हुए, लेकिन